हाँ भाई, हम लोग आया था, डॉक्टर आया था अभी। तो अभी डॉक्टर क्या बोला, अभी बोला इतना इतना दाग सड़ गया अपना चेहरा का, तो अंदर अंदर के ऊपर दिखता है, अंदर सही है, अंदर का लगा लगा धोने का मुँह। कभी भी ना 3 बार 4 बार धोने चाहिए, 4 बार, मतलब कुछ खाते टाइम ना मुँह धोने चाहिए। जैसे मैं मुँह धोने की वजह से दाँत सड़ गया पूरा। दाँत जो भी साथ बोला सच्ही बोलेगा, आप लोग भी मुँह धोने चाहिए लगड़ के। जैसे मेरे पास पैसा भी इतना नहीं है, इतना इतना पैसा मांग रहा है। वो चेक वाला आया था, चेक करके गया था अपना दाँत के बारे में। तो कितने बार होता था 3 बार, बताओ। सुबह उठा तभी, हाँ एक दोपहर को सोता है तभी उठता तभी, हाँ और एक रात के पहले। हाँ 3 बार मुंह धोना मांगता है अच्छा, कभी हाँ भी। कुछ खाते थे क्या, मुंह धोता है का? नहीं तभी नहीं होता, नहीं धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? हाँ खाते थे ना मुंह धोना चाहिए, कभी भी कुछ खाते थे ना, सोते टाइम भी मुंह धोना चाहिए। क्योंकि मालूम है आदमी ना कीटाणु वीटाणु रहता है दाँत हाँ? के अंदर। हाँ तो मालूम नहीं, इसके लिए दाँत सड़ता है। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, आप लोग को दाँत ध्यान दीजिए, आप लोग को खाने पीने के टाइम मुँह धोना चाहिए। मतलब कुछ सुबह अभी एक सुबह खाया तो उसको मुँह धोना चाहिए, आज खाया तो उसको भी मुँह धोना चाहिए, कल खाया तो रात को भी खाना चाहिए, दोपहर को भी खाया तो मुँह धोना चाहिए। क्यों मालूम कीटाणु रहता है, मतलब रोटी खाता है ना उसके नीचे कटाणु रहता है, मतलब रोटी इसके अंदर फंस जाता है, फंसने की वजह से मुँह दाल सड़ता है। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को इसका स्माइल नहीं होता, इसके भीतर रोता है दाँत की वजह से बहुत। आज जिसका दाँत दुखता है उसको मालूम पड़ता है। तो भाई मुँह कितने बार धोते भाई? 4 बार। मम्मी? मम्मी भी। अच्छा दादी? दादी 2 बार, दादी एक रात को और एक सुबह। मतलब उसको भी बोलने पता है, उसको भी मुंह धोने को बोलने का, दादी को भी। ओके। इधर देखिए ऊपर, उसको भी बोलना चाहिए दादी हाँ। को भी। क्या होता है दांत सड़ता है अचानक ही होने की वजह से सड़ता है, तो क्या होता है आदमी ना इसमें स्माइल ही नहीं होता, फिर क्या होता है अचानक सुरसुर झनझनी आता अपने दांत में और उसकी वजह से दुखता है दांत। तो मेरे जो बात बोले सच्ची बोले कि हम लोग दांत मेरे को दुखता था, इसके लिए वजह से हम लोग झनझनी की वजह से दवा लिया था मैंने, तेल वो वाला मंगाया था टीवी में हम लोग देखा था, मतलब हम लोग उसमें से मंगाया था अपने दिमाग मोड़ में से, गया था 700-800 रुपये लगा था, मेरे फटका लगा था। मैंने सामान मोड़ लिया था, ठंडा मिला लिया था, फिर दाँट का भी लिया था और जूता पॉलिश करने वाला भी लिया था मैंने, तो झंझनी वाला भी लिया था मैंने। तो मेरा कुछ भी चीज़ खाता ना झंझनी हुआ था दाँट में। तो आप लोग भी खाते थे अपना मुँह धोना चाहिए और रोज़ धोना चाहिए। आज भी आज आकर मैं घर पर धोगा मुँह, आज चेकअप किया था मैंने पूरा अंदर का सब देखा इसमें लैपटॉप में, तो दिखाया था उसमें, चेक किया था कंप्यूटर में, तो सब दाँत का अंदर का कीटाणु इतना चीज़ है ना, आधा गैप आधा टूटा हुआ है पूरा, लगा लगा के धोआ आप लोग नया दाँत आ जाएगा। इसलिए बड़े आदमी को भी दाँत आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, आप लोग शर्माओ मत और लगा रहो मजबूत में और कीटाणु भगाओ, नहीं तो अभी भी दाँत ना तो सर के गैप जितना सरा हुआ ना वो धीरे धीरे गैप ले लेगा अंदर, वो कीटाणु खा जाएगा अंदर का पूरा दाँत पूरा। जो भी शादी उम्र का है ना बच्चे लोग का, तो खाते थे ना बोलने बच्चे लोग को समझाने का, भाई आप लोग भी चॉकलेट खाओ मत, उसको बताते थे दाँत सड़ते हैं। हम लोग भी बहुत खाता था पहले चॉकलेट बचपन में, हम लोग को भी मम्मी बोलता था मत खा चॉकलेट मत खा और समझाता था, हम लोग समझता नहीं था पहले, उसके वजह से हम लोग दाँत सड़ गया। नहीं तो हम लोग तो अभी तो समझदार बन गया पहले से, तो हमको पहले नहीं था इतना दिमाग नहीं था पहले। अभी आदमी को दिमाग अभी बता, तेरे को बचपन में तेको माँ बाप बोलता था चॉकलेट खाता था? हाँ तो खाता था। क्या फिर क्या हो जाता है दाँत पूरा ये काला काला हो जाता तो था। मम्मी बोलता था चॉकलेट मत खा तो मुँह धो बाबू, तू धोता था? नहीं तभी नहीं धोता था, अभी रोज धोता है। हाँ तो क्या होता है बचपन में भी होते रहता है, कभी कभी भरोसा नहीं, क्या होता है आदमी ना दिमाग में भूल जाते हैं, मतलब जितना एक कहाँ से सुनना दूसरा कहाँ से निकाल लेते हैं, इसकी वजह से आप लोग को मुँह धोना चाहिए। क्या नाम क्या है? नयन। सर नेम? चिंगारे। भाई का नाम? ये निशान। हाँ तो बीच में किसी कुछ कुछ धरा हुआ था बीच में घर पर? बीच में नहीं, वो किस लिए भगा वो कुछ वो बड़ा भाई कैसे धरा किया था? राजू दादा नाम है। तो धरा कैसे किया था रात को टाइम? हाँ किस लिए मालूम नहीं, अचानक हो गया था वो। हाँ। तो ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो भाई भाई में, भाई भाई मिल कर रहो आप लोग में, तो यही आप लोगों को बड़ा भाई को सुधरेगा तो छोटा से सुधरेगा ना भाई।
और हमेशा तीन बार ब्रश करना मांगता है, तीन नहीं तो चार बार। लोग को दोस्त लोग को साथ रहना नहीं, शतरंग के साथ मालूम ना लोग साथ दूरी रखने का, क्यों मालूम नशा पानी करा देगा आप लोग को, बच्चे लोग को भी अचानक नशे में चल जाएगा। बड़ा भाई करता है नशा चीज नहीं ना? नहीं। हाँ तो भाई लोग को भी बोल समझाने, बड़ा भाई सुधरे तो छोटा सुधरेगा ना, बड़ा बिगड़े तो छोटा कैसे बिगड़े सुधरेगा। इसलिए दारू शराब नहीं पीनी चाहिए। आप लोग को हाथ जोड़ कर बोलते हैं, हाथ जोड़ो अभी आप लोग को भी। हाँ चैनल को प्यार कीजिए आप लोग को, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग को, फॉलो कीजिए। अभी हम लोग वीडियो बनाया तो आप लोग हमने नमस्ते नहीं कर सकता, ऐसे नमस्ते किया आप लोग को। तो यही बोलने से आप लोग मुँह धोने चाहिए। मम्मी बोला था अभी काम पर क्यों नहीं गया, बोला काम पर जाना होता हवा निकाल दी है, मतलब दुश्मन लगा हुआ है, मतलब मैं लॉक करके रखा था सिस्टम में ना, लॉक करके रखा था सिस्टम, मतलब दुश्मन है पीछे लगा हुआ, हवा निकाल लेते हैं कभी सुबह जाने गएगा ना तो ऐसे ही घाय घर में होते हैं। मतलब बाबू हवा रोज निकालते कभी कभी निकालते हैं, मैं सकल का रोज निकालते, कोई भी लोग आते जाते रोज निकालते जाते, लोग लगाते तभी भी निकाल देते ना। बताओ लोग को रोज निकालते तेरा क्या होगा, तेरा साइकिल का भी क्या होगा? नहीं मेरा साइकिल का नहीं निकालते, मेरा साइकिल का हवा ही गया है, दोनों टायर का हवा गया उसलिए। अच्छा इसके लिए निकालते नहीं है? और मेरा साइकिल को बेचने का अभी बंगर में उसलिए, निकाले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो यही बोलते हैं आप लोग को, लाइक करना भूलो नहीं, लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग को, फॉलो कीजिए आप लोग को, सब्सक्राइब आप लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं किया है तो ऊपर टर्न करके बजाइए आप लोग को। तो आपको बताता है यूट्यूब पर कैसा वीडियो है, अगले वीडियो को बताता है। और लाइक करना भूलो नहीं, लाइक सब्सक्राइब करो। तो मेरा भी 24 घंटे मेरा चैनल आ जाएगा विकास हीरो का, मतलब अभी मेरा मैसेज दे दिया है मतलब आएगा। तो आप लोग भी दूसरा वीडियो उठा के कॉपी मत कीजिए आप लोग को। आप स्कूल पढ़ते थे ना, अभी नकल विकल नहीं माननी चाहिए, मतलब बचपन बच्चे लोग को भी समझाते थे कि वो बचपन छोटे बच्चे में ना कहा बच्चों समझदार बनने चाहिए आप लोग को, और परीक्षा में पास होना चाहिए, क्योंकि मालूम नकल करके ना आदमी ने पास आगे जाकर फिर बाद में बोलेगा पूछेगा तो जवाब देगा तो देगा जवाब नहीं दे पाएगा, क्यों मालूम नकल देख के करेगा ना भाई कौन जा पाएगा। बताओ बाबू स्कूल में जाता है तो नकल करता है नहीं करता है? नहीं करता है, नकल करेगा तो चीटिंग होता है, ऐसा बात नहीं बनता है। आगे जाके कुछ नहीं आता, फिर नकल ही करना पड़ता है। अब फिर आगे जवाब देगा तो क्या करेगा, इंग्लिश में जवाब देगा तो क्या बोलेगा, लिख नहीं तभी ना आएगा ना, फिर अभी ये हाँ, तो नकल मार के करता है आदमी पास होगा नहीं हो पाएगा, क्यों मालूम है आगे उधर ऑफिस में पढ़ने उस ऑफिस में जाएगा कंप्यूटर पढ़ने करने के लिए तो आप लोग को कर पाएगा इंग्लिश में नहीं कर पाएगा। मतलब 12वीं पास कोई भी होगा, 10वीं पास कोई भी नकल मार के पास कर लेगा, आगे जाकर फिर हम लोग फिर क्या करेगा बताओ आप लोगों को, ये गलत बात ना भाई। तो आप लोग भी नकल मार के मत पास ही है, आप लोगों खुद से मेहनत कीजिए, आप लोगों सर टीचर बोलते हैं और नकल मत मारो और परीक्षा में पास कीजिए आप लोग को, क्यों मारो अगले वीडियो में यही होता है, क्या होता है दूसरों उठा के उतार दिया वीडियो, इसलिए आप लोग भी ऐसे गलती मत कीजिए, ये भी चोरी करता है, ये चीटिंग है ना भाई, चोरी करना बहुत बुरा बात है। हाँ नकल करके लेके जाएगा, बुक में लिख लिया, इसमें शायरी में लिख दिया, मोबाइल लेके जाएगा उसमें से नकल मार लिया, हाथ पे लिखेगा, पैर हाँ, पे लिखेगा, अब कमर में लिखेगा, यहाँ से हाँ कोई कोई लड़की लोग भी लिखता है कमर पे, और लड़का लोग भी लिखते हैं, क्या होता है चिट्ठी बना कर लेके जाता है लड़की को वहाँ से पास करता है, कोई फेंकता चिट्ठी तो पास वही फेल, मतलब मैडम लोग को देखता नहीं है टीचर लोग बाहर निकल जाता है, क्या मतलब नकल मार लेते हैं आजकल मालूम ना, ये गलत बात है ना भाई। मतलब अभी हिंदी मीडियम हम लोग पढ़ते हैं आरडीबीस में, मैं आरडीबीस में पढ़ता है हिंदी मीडियम, मैं तो उत्तर भारतीय मैंने भांडू में, तो ये गलत बात ना भाई, स्कूल में पढ़ने जाता है का नकल मारने आता है, बताओ ये गलत बात ना। तो माँ बाप को ध्यान दीजिए ना भाई, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है उसको समझाने का, भाई इंग्लिश में ऐसा शब्द होता है हिंदी में ऐसा शब्द होता है, आज का हिंदी जमाना है का इंग्लिश जमाना है, इंग्लिश और हिंदी भी दोनों भी। हाँ तो हिंदी का जमाना नहीं है अभी इंग्लिश का जमाना है मालूम है ना, आजकल इंग्लिश का जमाना नहीं है, इंग्लिश का जमाना है, पहले तो हिंदी जमाना था पहले चलता था, अभी तो जमाना बदल गया, अभी तो हिंदी जमाना नहीं इंग्लिश का जमाना हो गया, आप लोग को इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। यही पढ़ते आप लोग को कभी भी मोबाइल में चलाने का कुछ लिखने का गाना बिना तो क्या लिखेगा, कुछ गाना का गाना नाम बताएगा तो कैसे लिख पाएगा बता, इधर नीचे टाइपिंग ए इधर नाम आता है उस पर दबाने का टाइपिंग का आएगा, नाम गाने का नाम डालने का और
उसको दबाने का बराबर आएगा। और उसे मुँह से बोलता है ये गलत बात ना, कभी अभी इसे मुँह से बोल दिया गाना, मतलब ये गलत बात ना, मतलब कभी भी इंग्लिश में लिखने का तो गाना का को फिल्म का नाम हैगा तो क्या नाम लिखेगा फिल्म का, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाया तो अपन कुछ लिख सकते ना भाई, इंग्लिश अपन को आता रहेगा तो अपन टाइपिंग कर सकते हो। हाँ इंग्लिश वो लोग को नहीं आता, वो माइक में से बोलते हैं। हाँ ये तो है जवान में ऐसा, कोई 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 दुनिया में है ऐसा, कोई कोई नहीं है, कोई कोई समझदार है, कोई कोई समझदार नहीं है। तो यही बताया आप लोग को लाइक करना भूल नहीं, लाइक कर सब्सक्राइब करें फॉलो कीजिए। तो चलते हैं हम लोग को पूरा, हम लोग चेक किया दिमाग फट गया हम लोग को, और दांत इसलिए धोने चाहिए आप लोग को लगर लगर के, और हम लोग के पास पैसा नहीं है अभी कहाँ से, हमेशा तीन बार धोना अभी वीक जितना का कमाता नहीं उतना का दांत सड़ जाता है, इसलिए आप लोग को दांत बचाइए आप लोग को, हम लोग भी बचाएगा दांत रोज धोगा लगर लगर, मैं तो रोज धगर नहीं तो कितना भी कीटाणु होते खून फेंकने दे उससे भी लगर लगर करना पूरा ख़त्म करने का, कीटाणु ऐसा मरता है इसे, मतलब लगर लगर धोने चाहिए बरस से। और आप लोग बोलते हैं ना खून है, खून नहीं है वो, खून का मरा खून रहता है वो, खून का हिसाब से ना इसके लिए आप लोग को मुँह धोना चाहिए, क्यों मेरे देख के मेरा दिमाग फूट गया, तो गैप नहीं रहेगा, नहीं गैप भर जाएगा, मतलब लगर लगर धोगा तो अच्छा रहेगा। और ये बात आप लोग लाइक करना भूल नहीं, लाइक कर सब्सक्राइब कर फॉलो कर कमी करें। तो चलते अभी 10 चैनल में काम करना है, अभी 11 चैनल मेरा नहीं है, अभी 10 चैनल में काम करेगा, तो अभी 11 चैनल है टोटल में प्रकट के। तो आज तारीख कितना है बाबू, आज भी है 22 है, 22 तारीख कितना तारीख को, दूसरा महीना का तीसरा कैसे फरवरी है ना, दूसरा महीना ना कहीं ना फरवरी 2023 में अभी है। तर अभी वीडियो में हम लोग आज का डॉक्टर आया था हम लोग को, कल डॉक्टर नहीं आता आज आया था, हम लोग चेकअप किया था, तो चेकअप करके गया था देखा था सब कुछ ऊपर नीचे चेक किया था, वो सब निकला था दांत सड़ गया था पूरा, जो भी बात है वो सची बोलेगा। आप लोग भी मुंह धोना चाहिए, क्यों मालूम है दांत आज कल बच्चे लोग को भी दांत सड़ते थे, बच्चे आज कल बच्चे लोग को माँ धोता कि नहीं धोता बच्चा, नहीं बच्चा कोई को है हाँ कोई को है ऐसा दुनिया में है, माँ बाप बच्चे को ध्यान नहीं देते, अपने धोते हैं दूसरे को भी नहीं धोते, ये तो गलत बात है। और महंगाई कितना हो गया बाबू, किसका भाजी का भाव कितना हो गया, भाजी का 25-30-50 पहले कितने का मिलता था, पहले 10-20 में मिलता था, अब वो भाजी का दाम कितना हो गया, बढ़ गया अभी 25 हो गया 25। अब भांडुक का कितना भाजी हो गया, भांडुक में थोड़ा सस्ता का थोड़ा कम में, किधर भांडुक में हाँ थोड़ा सा सस्ता है, कैसे क्योंकि वो अलग जगह है उधर ये होता है ना उसलिए। हाँ वो मिर्ची कितने का मिलता है वहाँ का, आप कांजी मार्केट कितना मिलता है, कांजूर मार्केट में इधर 10 का मिलता है उधर 5 का मिलता है, और भांडुक में कितने मिलता है, भांडुक में 5 का मिलता है, तो वो सही है ना भाई, उधर से लेने चाहिए ना, इधर से क्या लेगा, यहाँ से महंगाई करेगा तो आदमी खाएगा का, वहाँ से आते थे हमने लेके आने का भाजी, मम्मी जाता कर लाने के खुद आते हैं लाने भाजी भांडुक से, ये मेरी मम्मी खुद जाती है भांडू जाते ना, नहीं इधर मच्छी मार्केट मैजी भाजी में तो बहुत महंगाई बहुत हो रहा ना, आदमी अपने खाएगा बच्चों को खिलाएगा, अभी अभी जब दो भाई है दो भाई में कितना कितने जन खाएगा, अभी तो ये तू लोग दो फैमिली है बता, तू लोग दो फैमिली है तो दो फैमिली में क्या अपने खाएगा तो दूसरे खिलाएगा बता, इतना महंगाई करेगा तो बराबर इतना महंगाई ना करना मांगते कभी भी, आदमी इतना लॉकडाउन लग गया लॉकडाउन से भी आओ महंगाई बढ़ेगा, अभी 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 तो हम लोग खा लेगा बाकी लोग को क्या खाएगा, जिसका अभी रूम में है खुद का रूम है वो खा लेगा, अभी कुछ खुद का रूम नहीं है वो कैसे खाएगा वो बराबर, वो क्योंकि ये ना हाँ वो लोग के पास पैसा भी नहीं रहेगा, उनको पैसा भाड़े का भी पैसा भरना पड़ेगा, हाँ पानी का बिल भी कैसे भरेगा, लाइट बिल भी कैसा भरेगा, हाँ और पानी बहुत बेस कर देता है उसकी वजह से बिल भी बढ़ता है, क्यों हाँ। आज से कौन कौन भी पानी गिर जाता है, किस किस से पानी गिरता है, बंजारे लोगों को भी गिरता है ना पानी, हाँ इधर गिरता है ना रोज गिरता है ना, हाँ तो यहाँ ना मुंबई में ना पानी मिलता ना लोगों को बहुत आजादी बोलते हैं, मतलब पानी सरकार का पानी उड़ाओ भाई मस्त में गिराओ मस्त में, पानी की महंगाई कितना हो रहा है, पानी कितना गिर रहा है, पानी किसको मिलता है नहीं मिलता है, अब लोग सोचता है पानी मिल गया गिराओ मस्त में, बाप का जाता नहीं अपना काम बनता है बाहर में जनता ऐसे, यही लोग का काम है ऐसे है आज के दुनिया में है ऐसा बताओ है ना, कितने जन को देखा पानी गिरते हुए भोजन को, बहुत जन को इधर गिरता है उधर उधर जाते ना उधर उधर देखते है नाहौल में कांजीमान में किधर किधर
अब कोई को लाइट कोई को ना पलप लगा के छोड़ देता है मतलब चार्जिंग पर, ये आप लोग ना चार्जिंग लगा के मोबाइल देखते का ना उसको नहीं, नहीं ना नहीं। क्यों मालूम इसे क्या होता है बता? मोबाइल फूट जाता है। हाँ मोबाइल फूट जाता है और क्या होता है मोबाइल फूटने के बाद ना और इसके वजह से चार्ज फूल हो गया ना भाई तू तभी खेलने गए मैं ऐसे नहीं खेलने का नहीं क्यों मालूम है स्पोर्ट हो जाएगा ना तो माँ बाप को ध्यान देगा माँ बाप को बच्चे लोग को ध्यान देना चाहिए क्यों मालूम है चार्ज लगा के कहते ना बम फूट जाता है आओ रात को तुम टीवी मोबाइल देखते का एक घंटा देखते और सो जाता है मतलब रात को रोशनी रात को तुम ना देखने से रोशनी जाता है मालूम है उसके तुम ना रात बंद करके देखिए ना आकर रोशनी जाता है मतलब हाँ ऐसे होता है कोई टीवी के कभी होता है कभी मोबाइल के होता है मतलब रात के तुम ना देखने नहीं चाहिए मोबाइल क्यों मतलब आँख में देखेगा ना मोबाइल मतलब रात को रोशनी जाता है हाँ तो ऐसा है बता कौन कौन देखता है घर पे मोबाइल? मेरा घर पे मैं एक घंटा देखता है और सो जाता है। मतलब कितना कितने बजे शुरू करता है मोबाइल देखने के लिए? मतलब मैं 8 बजे देखता है। हाँ 8:30 को रख देता है। हाँ तो ये सही है ये गलत ये काम नहीं किया ये बात सही बोला तो नाम यही बोलता आप लोग को ऐसा गलती मत कीजिए आप लोग को मोबाइल देखते थे ना आगे पीछे देखने का क्या हो क्या नहीं चार्जिंग लगाते ना उधर टाइम देखने का क्या लगा बच्चों कहाँ लगाया चार्जिंग और लगा के टाइम गेम खेलेगा ना तो आप बम प्लास होएगा ना एक के जगह में कितना जाएगा बहुत जाएगा फैमिली जा जाएगा मतलब एक घर जल जाएगा सब जगह घर जल जाएगा इसके लिए आप लोग ऐसे गलती मत कीजिए सही बोल रहे बाबू सही बोल रहे ना कभी भी चार्जिंग को लगा के नहीं खेलने का नहीं तो चार्जिंग हो तो लगा के नहीं खेलने चाहिए क्यों मालूम इसे स्पोर्ट हो जाएगा ना भाई मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ है इसके लिए ना मोबाइल इसके लिए बनाया है भाई बात करने के लिए बनाया है किसके लिए बनाया मतलब कुछ भी पढ़ाई करने हाँ मोबाइल से सब करने के लिए ऑनलाइन में पढ़ाई कर सकता है अभी लॉकडाउन में कुछ पढ़ाई किया था बच्चे लोग में ऑनलाइन किया था जून ऐप पे हाँ जून ऐप में पढ़ाई भी किया बच्चे लोग को और टीचर लोग को सिखाता है वहाँ से मोबाइल से बच्चे लोग टीचर के पास भी मोबाइल है वहाँ से और बच्चे लोग को कॉन्टेक्ट करता है मतलब नंबर से व्हाट्सएप नंबर से है ना वो सबसे करता है कॉन्टेक्ट में करता तो आ जाता है नंबर से वो सर लोग पहले लिंक भेजते उसको दबाने का फिर आता है हाँ। अपना नाम डाल के तो कितने तू कितने में 8-7 भाई कितने में 9 बहुत कठिन है इसको ध्यान दीजिए भाई बहुत 9 निकलना मुश्किल है भाई उसमें ना क्या होता है जवाब जवाब देना पड़ता है इंग्लिश से आना चाहिए ही और जोर घटाना आना चाहिए बताओ कितना कठिन है बहुत कठिन है बैग में भारी भी वजन बहुत रहता है जैसे यूट्यूब में काम करा ना ऐसा ऐसे में उसमें भी भारी पड़ता है यूट्यूब पर भी तो ऐसे ये भी निकलना मुश्किल है ऐसा ये भी कठिन है मतलब ये 10 निकलेगा ना तो यूट्यूब पर आगे निकल सकते हैं मतलब इससे निकल गया ना भाई मुसीबत से खत्म हो जाएगा मतलब ये आप लोग को ऐसा लाइक करना भूलेंगे लाइक कर सब्सक्राइब करिए अभी आप भंडारा कभी आ रहे हैं 24 को पूजा कभी आ रहे कौन सी सत्यनारायण का 23 पूजा आ रहा है साई मंदिर में मतलब सभी सजावट हो रहा है आज से शुरुआत हुआ फरवरी से मतलब 22 से फरवरी हुआ मतलब 22 दूसरे महीने 2023 में सजावट हो रहा है मंडप मंडप लग गया बम्बू बम्बू खड़ा हो गया मतलब नोखों डाल के पहले लकड़ी लगाता था पहले क्या लगता था लकड़ी लगाता ना हाँ। अभी लकड़ी से क्या कर रहा है बम्बू नहीं बम्बू हट गया ना लोखंड का बम्बू रे नोखंड का डाल के हाँ नोखंड लगा के मतलब खड़ा करके गलती हो गया अब भाई कुछ गलती हो तो मुझे माफ कीजिए आप लोग को लाइक करना भूलने तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग को कितना स्टार मिलने चाहिए आप लोग को बताइए 3 हाँ वही बोल आप लोग को भी सपोर्ट कीजिए और यही बोलते आप लोग को लाइक करना भूलने चाहिए लाइक कर सब्सक्राइब किया अभी दोस्त आया था बोलने हमको बोल आवाज़ दिया था हम लोग आवाज़ सुना नहीं दिया तो आप ऐसे गलती किया सॉरी हम लोग को माफ़ी मांगते ऐसा आप लोग बात सुननी चाहिए किसी भी तो आप मम्मी की मदद करते क्या नहीं करते करते ना क्या क्या करते है ये पानी का बॉटल रहता है पानी का बॉटल भरता है लड़की नहीं आता लड़के नहीं काम कर सकते बता लड़की नहीं आता लड़के नहीं काम कर सकते कर सकते ना मम्मी का हाथ पांव दबाने का हाँ। मम्मी का सर दबाना चाहिए मम्मी का पैर दबाना चाहिए हाँ तो क्यों दादी को मदद करनी चाहिए पैर दबाना चाहिए आज के कोई कोई दुनिया में है पता कोई कोई है ना दुनिया में माँ बाप ध्यान नहीं देते बेटा को माँ बाप बेटा को ध्यान नहीं देते माँ को
ना बहुत सारे जने। तो बताओ उसको क्या क्या है। कुछ कुछ लोग ध्यान भी नहीं देते माँ पे, आप उनको माँ ने छोटे से बड़ा किया है। हाँ तो माँ बाप नहीं, माँ बाप नहीं रहता तो हीरो कैसे बन गया बाप बच्चा। बराबर। माँ नहीं रहता तो बच्चे कैसे आ गया बताओ। बराबर भाई बराबर। माँ बाप ही हीरो है ना भाई। माँ बाप नहीं रहता तो हीरो नहीं बन जाता ना भाई। आप लोग माँ बाप का प्यार कीजिए आप लोग को, और माँ बाप को ध्यान दीजिए, और माँ को पैसा देना चाहिए आप लोग को। माँ बाप को, माँ बाप को नहीं देगा तो पैसा किसको देगा। माँ बाप को इच्छा मान देने का कभी भी बात सुननी चाहिए, नहीं तो पैसा दे देना चाहिए। माँ बाप को कितना देते पैसा मम्मी को? मम्मी को कुछ देते देखो पॉकेट मनी? हाँ देते ना। कितना देते? 50। हाँ और इसे कोई का है दुनिया में है ऐसा पैसा चोरी कर लेते बच्चे लोग। आज का माँ बाप बताएगा नहीं, निकालेगा दोस्त लोग के साथ, भाई आएगा चलो चलो भाई इधर खाएगा वो खाएगा वो खाएगा, है ना कोई दुनिया में। आज के दुनिया में लड़का लोग लूट के खाने वाला भी है, इसके लिए ना कोई खाएगा खिलाएगा नहीं कोई। अच्छा तो स्कूल में स्कूल में दोस्त लोग है तो हाँ। तो क्या करता झगड़ा करता है आपसे मिल? नहीं ना कोई कोई दोस्त लोग झगड़ा करते ना, क्या कर देते गाली देते ना, बहुत खराब खराब गाली देता है लोगों को, झगड़ा होता है स्कूल में। ऐसे आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, माँ बाप चित्र को सुनने वो बात सुनने चाहिए। तो स्कूल का नाम क्या है? जीवन विकास विद्यालय। तो हम लोग उधर आया था बीच में, हमें दबा कंपनी पड़े काम करता था पहले दबा कंपनी में। तो उधर हमको साथ ही पकड़ क्या पड़ता है, हम लोग को कम पकड़ पड़ता था, हमको आवाज़ दिया था बीच में। तो हम लोग आया था, हम लोग को ध्यान नहीं देता, आवाज़ इसमें दिया था मेरे को दोस्त ने बताया इसमें आवाज़ दिया था, मैं ध्यान नहीं देता। तो क्या हुआ हम लोग को ध्यान नहीं देता, विकास विकास कौन दिया था मेरे को समझ, आवाज़ आ रहा था मेरे को समझ में ना कौन आवाज़ दिया था। तो बाद में बच्चे लोग को अंदर में दिखा था हुआ इसमें आवाज़ दिया था, फिर दिखाया हाथ दिखाया। तो जी स्कूल का नाम क्या है? जीवन विकास विद्यालय। बच्चे कितने से कितने तक है स्कूल है? पहली से दसवीं तक। इसका आगे? उसके आगे डायरेक्ट कॉलेज। उधर स्कूल ज़्यादा स्कूल बड़ा स्कूल नहीं है, जैसे मेरा स्कूल में बड़ा स्कूल है उसमें जा सकते हैं दसवीं बारहवीं कर सकते हैं। मतलब विद्यालय इधर दसवीं से नौवीं से दसवीं तक बस कॉलेज है, बस इसके बाद आगे आगे देख पढ़ाई करनी चाहिए आगे का वहाँ तरह से, मतलब RDBS में पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब इधर से छोड़ के इधर भी कर सकते पढ़ाई, मतलब बारहवीं का मतलब ग्यारहवीं का कर सकते हैं। तो यही बात, आप लोग लाइक करना भूलना चाहिए, लाइक करो सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए। तो ऐसा आप लोग को बच्चे लोग को दूरी रखनी चाहिए, कभी सीक्रेट से दूरी रखनी चाहिए बच्चे लोग को, क्यों मालूम किसे है ना क्या होता है सतरंगी लग जाता है। और चोरी चवानी मत कीजिए, आजकल कोई कोई है कोई कोई चोरी चोरी चवानी करता है ना। क्या क्या चोरी करता है? पैसा चोरी करता है, चेन चोरी करता है, यहाँ कैमरा नहीं है इसके लिए फैट होता है ना। या कुछ साइकिल का कुछ साइकिल कुछ गायब किया था? हाँ नट गायब किया था, हवा निकालते सीट का नट लेके गया। जैसे मेरा साइकिल पूरा सीट बाहर लगाया ना जूना साइकिल का, वो साइकिल का अगले वीडियो में बताएगा देखो कैसा हुआ साइकिल का मेरा सीट, वहाँ तो मोटर लगाया सही, वो कबाड़ कर रख दिया मेरा पूरा सत्यानाश। तो मतलब सत्यानाश करके रख दिया लोग, बाहर लगा कर रख दिया, मतलब दूसरे का सताया ना भाई गरीब को, भगवान देख रहे सही ना भाई। दूसरा सताएगा ना तो यार सब संपत्ति चल जाएगा। आप लोग को दूसरे को सताओ मत, जितने का खर्चा नहीं है उतने का तो सब दवाखानों में भरते है सर। इसलिए आप लोग को लाइक करना है बोलना चाहिए, लाइक करो सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए। और काम पर हम लोग जाएगा, मैं बात करे सर से और उसको बोलेगा भाई पगार में चाहिए और पैसा बाकी है 210 रुपये बाकी है तो लेगा, और 1000 रुपये लेने गए 15 रुपये पे किया उससे मास्टर से लेने का वो। तो लाइक करना भूलना चाहिए, लाइक करो सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए। बीच में स्कूल को छुट्टी थी खेलने कहाँ जाता है, उसको घूमने जाता है कहीं जाता है पिकनिक में? नहीं खेलने जाता है, मतलब उसको छुट्टी मिलता था स्कूल की तरफ से पढ़ने जाकर छुट्टी मिलता है एक महीना। तो क्या करता है? खेलता है, मोबाइल देखता है, घर में बैठता है, पढ़ाई करता है, होमवर्क देते हो आगे पढ़ाई करता है, ऐसा नहीं आखिर दिन खेलते रहेगा। नहीं रे नहीं, कोई कोई है दुनिया में खेलते है, कोई कोई नहीं है समझदार रहते है, बच्चे लोग को भी समझदार रहता है, कोई कोई नहीं आता है बच्चे लोग को भगा स्कूल कॉलेज स्कूल जाता नहीं, बच्चे लोग को रोता रहता है। हाँ
स्कूल जाने का स्कूल जाने का तो बच्चे लोग बहुत रोता है, इसलिए माँ बाप को ध्यान देने चाहिए बच्चे लोग को भी स्कूल पढ़ने देने जाने का। मार्ग ने सुधारा तो किसे होगा पिन भाई, स्कूल सुधारना चाहिए भाई, स्कूल बच्चे को मेन खास है, पढ़ाई से आगे निकलेगा ना भाई तो माँ बाप का सर ऊँचा हो सकता है। आप लोग को माँ बाप ने ध्यान देगा ना बच्चे लोग को तो बिगड़ जाएगा, इसलिए लड़की रहो लड़का रहो बिगड़ने मत देने का। और कोई कोई दुनिया में है ऐसा शादी करते भाग के, आजकल लड़का लड़की भाग जाता है शादी करने के लिए मुंबई में से, मतलब अभी लॉकडाउन में बीच में भागा था, लॉकडाउन में कितने जन भाग के गए शादी किया लॉकडाउन में, तो ये गलत बात नहीं। माँ बाप ने ध्यान देगा तो बेटा बेटी कैसे संभालेगा। आजकल माँ बाप ध्यान देना चाहिए क्या कर रहा है मोबाइल में, किस लिए चल रहा है, मोबाइल देना नहीं चाहिए बच्चे लोग को, और लड़की लोग को भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। क्यों मालूम मोबाइल बाद में देना चाहिए, क्यों शादी होने के बाद देना चाहिए मोबाइल, क्यों मालूम बच्चे लड़की लोग भी बिगड़ जाते हैं मोबाइल में, माँ बाप सुन आवाज़ देता तो आवाज़ नहीं देते लड़की लोग, तो एयरफोन लगा के बात करता था मोबाइल देने का है तो पढ़ाई करने के लिए देने का, हाँ नहीं तो नहीं पढ़ने का। तो भाई से आप लोग दसवीं पास के पास ले सकते मोबाइल, नहीं तो क्या होता है आज में मोबाइल दिया खरीदे मोबाइल देखते देखते किसे बात करने लगेगा लड़की लड़का लोग से, ये तो गलत बात ना भाई। आप लोग ना इसलिए आदमी ना लड़की का इज्जत नहीं होता है, इज्जत लड़का लोग को इज्जत खराब होती, लड़की लोग को इज्जत खराब होता है, लड़का लोगों को इज्जत नहीं खराब होते, इसलिए आप लोग को ना गलती मत कीजिए आप लोग को, और लड़की लोग को भी समझा के रखिए आप लोग को। आजकल मालूम बहुत ये हो रहा है, अत्याचार हो रहे सब हो रहे, लड़की बचाइए आप लोग को, लड़का बचाइए, लड़की लड़कियाँ कम जगह तो कैसे होगा भाई, लड़कियाँ बहुत कम है हो रहा है मुंबई में, मुंबई में लड़की भी कम है और गाँव में भी सब जगह वही हो रहा है, मार कोई कोई लड़की को ले जाते मार के काट के फेंक देते हैं, है ना, बताए भाई टीवी में देखा ना क्या, हाँ इधर आते थे ना छक्के लोग, हाँ तो डायरेक्ट पकड़ के लेके जाते थे, हाँ और मुर्गी वर्गी लेके जाते ना, मुर्गी क्या करते बच्चे लोग, मुर्गी लेके वो मालूम नहीं, वो लोग अपना अपना करते, वो मुर्गी लेके पड़ा करके बेचते है क्या, चोरी करके बेचते है, मतलब कुछ बना के खा जाते हैं मालूम नहीं, भी हो सकता है खा सकता है मुर्गी लगे छक्के लोग, मतलब छक्के का नाम नहीं ले सकते आप लोगों को, क्या आप लोगों को बोलना चाहता है, तो ये लड़की लोग को भी देखना चाहिए भाई, हाँ भाई इज्जत है का नहीं है, तो आप लोगों को भी सच्चाई का सच लेने चाहिए। आप लोग को ये बहुत लाइक करना बोलना चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आजकल लड़की लोग को भी मेरा वीडियो देखता नहीं है, कोई कोई है खाली लड़का लोग ही देखता वीडियो, 90 दिन में से इतने जन देखा वीडियो, आप लोग लाखों तक में वीडियो में पहुँचाया नहीं आप लोग को, मेरा लाखों तक वीडियो देखता नहीं आप लोग, मेरा कैसा मार पड़ेगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग मैं आगे सपोर्ट देगा ना भाई, नया नया वीडियो लाते रहता ना सही ना, आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखता है बता आप लोग को बताइए, कुछ कुछ लोग नहीं देखते, कोई कोई है देखता है भाई लोग देखता है, मराठी लोग देखता है, बाकी लोग देखता नहीं है वीडियो, और बहुत जगह जाता है वीडियो हर जगह, मतलब वहाँ से लेके वहाँ तक जाता है पूरा और इंडिया तक मेरा वीडियो जाता है सोशल मीडिया में, तो आप लोग मेरे वीडियो भी वायरल नहीं करते हैं, कुछ नहीं देखता है नहीं, खाली शॉर्ट वीडियो में वीडियो वायरल होता है, मतलब कोई कोई देखता है कोई कोई नहीं देखता वीडियो में, आप लोग आपको मैं हम लोग देखता है वीडियो, हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा आप लोग, कैसे चलेगा भाई आप लोग मेरे वीडियो, आप लोग मेरे को मोनेटाइज नहीं कराएगा विकास चैनल का, फिर मैं आगे कैसे क्या काम कर सकता फिर यूट्यूब पर। आप लोग मैं बोला विकास भाई वीडियो लाते रहना, आप लोग ला रहा वीडियो ला रहे तो मेरा वीडियो देखेगा नहीं, व्यू नहीं लाएगा इतना ज़्यादा ज़्यादा, तो कैसे चलेगा फिर, मेरे को 3-4 लाख लाते हैं अभी चुरके बाबा वीडियो 3-3 लाख 4-4 लाख करोड़ में जाता है लाइक, 1-1 लाख 5-5 लाख मिलता है लाइक, KG तक जाते हैं मेरे, इतने तक मेरे हमको पहुँचाएगा नहीं भाई। आप लोग को खाली शॉर्ट वीडियो पसंद है बस, आप लोग को बड़ा वीडियो भी देखिए ना भाई, तो हम लोग शॉर्ट वीडियो भी भेजता है आप लोगों को यूट्यूब तरफ से, मेरे को शॉर्ट वीडियो भी आता है, तो शॉर्ट वीडियो भी डाल देते हैं यूट्यूब पर और बड़ा वीडियो भी डाल देते हैं यूट्यूब पर, लाइक करना भूलना चाहिए, लाइक करो सब्सक्राइब किए फॉलो कीजिए, और वीडियो में नंबर हो सकता तो मैं माफ़ी मांगता है, और यही बोलते आप लोग को चलता अगले वीडियो में बताएगा कैसा हुआ, और दिखाओ आप लोग को कांच फूटा हुआ है, ये देखो क्या क्या करके खाए, ये देखिए आप लोग को कांच फूटा हुआ है, यहाँ हाथ में पच्चे लोग का कांच फूट जाता है, ये गलत बात नहीं भाई। आप लोग को बच्चे आएगा आदमी लोग को हाँ बेचने के लिए इस बूटे बनाए यहाँ बेच सकता है, आप लोग आएगा तो यहाँ फूटा कांच में बैठ गया अचानक पाँव में लग गया तो क्या होगा, फिर खून निकल जाएगा,
खून निकलने के बाद जितना कमाया करें उतना फटका लगेगा, इसलिए बच्चों को भी संभाल के रखने की और बच्चों को समझदार रखने का, बच्चों को इससे दूरी रखने का, और दोस्तों के साथ सतरंगी मत रहना चाहिए, की दूरी रखने का, अब लाइक करना नहीं हम लोग, इसलिए मैं दूरी रखता है हम लोग। मेरे को कभी देखा सिगरेट पीते हुए? मेरे को बताओ लोग को, नहीं देखा मेरे को, कभी देखा मेरे को गलती हुए गलत चीज़ काम करते हुए देखा? नहीं देखा नहीं। भाई आप लोग को मैं, हम लोग को लगता है गलत लिखते हैं ना हम लोग को, हम लोग इसीलिए गलत काम नहीं करते, यूट्यूब पर बनाते ना मेरा गलत काम नहीं करता है, जो भी बात है सच्ची बोलते हैं, चालू शराब नहीं मिलते हम लोग कुछ भी नहीं करते। तो यही बात, आप लोग लाइक करना भूलना चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब किए फॉलो कीजिए, मैं अच्छे से वीडियो लाते रहता है, और कुछ गलती होती है मुझे माफ कीजिए। ये क्या बना रहे? कुछ नहीं। तो इससे से देखो आखिर तक पूरा बात लगा दिया, ये को कचरा वजह कितना फैल गया है, और लोग इधर हीरो को इधर क्या का फेंकाया हुआ दिखा, ये देखो ये खतरनाक चीज़ नहीं क्या है भाई, बता देखिए ये गलत चीज़ है ना भाई, देखो इसलिए भी दांत सड़ता है फोपड़े में, देखो ऐसे मेरा दांत ऐसे जैसा ये दांत सड़ता है ना ऐसे तेरे भी सड़ेगा, देखिए इसके लिए बोलते हैं लड़की का कुछ रहेगा तो आप लोग को हेल्प कीजिए, आप लोग को पैसा दीजिए आप लोग, ये गलत बात है ना भाई, दारू सिगरेट पीता है देखो कितना, इसलिए तो होता है ना भाई, ये गलत बात करते ना भाई, सिगरेट पीते हैं माँ बाप को इज्जत नहीं है, और इसलिए जब लड़ाई झगड़ा करता है सिगरेट पीते हैं, इसलिए पीने नहीं चाहिए सिगरेट दारू शराब, वो गलत बात है ना भाई, आखिरदार पीता है गांजा करता है, ये देखो ये भी सिगरेट का अंदर दे के जाता है, इसके अंदर ये आता है मतलब तम्बाकू रहता है, ये गलत बात ना भाई, इसमें देखे जाते हैं इसमें क्या मिलता है लोग को बताए ना, आप लोग को बताइए, आप लोग को बस शरीर गलाएगा बस आदमी पागल हो जाता है सिगरेट पीने में, ये गलत बात ना भाई, दारू शरीर नहीं पीनी चाहिए, ये दूरी रखनी चाहिए आप लोग को, कोई को है पीने तो पीने दो, आप लोग सुधर जाओ, बच्चों को भी ध्यान दीजिए, बस मारा मारी करना चाहिए बस से दूरी रखनी चाहिए आप लोग को, यही बोलना चाहते आप लोग, मारता अच्छा गलत नहीं है, आप लोग में देखा कितने देर को मारा मारी होता है, बता अपने जब पीछे से एक आदमी मारा मारी गया था ना झगड़ा कहता पीछे में कौन मालूम नहीं लेकिन किया था, हाँ किया था मैं भी देखा था मालूम, अपने बीबी को मारेगा जी गलत बात है ना भाई, अभी सबका बहन रहेगा जैसे इसका बहन अभी नहीं रहेगा भाई, अभी भाई का बहन है तो कैसे चलेगा भाई, आपस में मारेगा इसको बीबी को मारेगा, ये गलत बात ना भाई, आज के दुनिया में मारता है लोग, इसको हाथ में कीड़ा पड़ना चाहिए जो मारते हैं, इसलिए ना कभी दारू शराब नहीं पीनी चाहिए, सतरंगी से दूरी रखिए आप लोगों को, और बच्चे से लोग को भी दूरी रखिए, सब दारू शराब नहीं पीनी चाहिए, और बच्चों लोग को भी समझा के रखिए भाई, ये सबसे बहुत खतरनाक चीज़ें है, ये देखिए बहुत बेकार है, देखिए आप लोग को इसके लिए आप लोग को दूरी रखनी चाहिए, आप लोग को ये सब करना नहीं चाहिए, आप लोग गलत नहीं, ये सब मैं बता रहा भी, मैं कभी करता नहीं सिगरेट दारू पीता नहीं, हमको बोलते हैं पुलिस वाला बोलते हैं दारू शराब पीते हैं, बताओ मैम पीता है मैं कब देखा नहीं, आजकल बोलता है पुलिस वाला चेक किया था मेरा हाथ, ये हाथ मेरे को चेक किया था, ये हाथ चेक किया था मेरा दोनों हाथ जैसे चेक किया था मेरे को, मैं दारू शराब कभी पीता नहीं, जो भी है सच बोलते हैं, सच के हिसाब से नहीं बोलता हूँ, यही बोलते आप लोग को लाइक करना नहीं, लाइक करो सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए, और बस होना चाहिए, और लड़की लोग भी सिगरेट पीते हैं आजकल, लड़की लोग भी सिगरेट पीते हैं, लड़की लड़का लोग से दूरी रखिए, लड़की लोग को ना लड़का को साथ लड़की को लड़के साथ करने नहीं चाहिए, सतरंगी से दूर रखिए आप लोग को, लड़की की बचाइए, औरत लोग को भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आजकल लड़की लोग पीते ना लड़की औरत लोग को पीते ना गांजा पीता है, और क्या पीते हैं सिगरेट बीड़े, और वो कौन सा बोलता है वो पैम जैसा होता है गांजा फोक मारता है चिलम, हाँ चिलम पीते हैं, अब देखा ना चिलम बहुत बेकार चीज़ रहता है, आदमी को क्या करता है मतलब नशे की चीज़ में हो जाता है ना, मतलब आदमी को दिमाग घूम जाता है, मतलब सो जाता है आदमी पी के सो जाता है दारू पी के, अभी कुछ दिन में देखा मेरे को उधर पीते हुए सो गया आदमी, हम लोग उधर कांजूमारे में तो किधर भी सो जाता है रास्ते में, ये गलत बात नहीं भाई, आप लोग को दारू शराब नहीं पीनी चाहिए, अब तो जवान हो गया है, तो आप लोग भी बच्चों को भी समझा कर रखनी चाहिए, आप लोग बाप नहीं सुधरेगा तो बेटा कैसे सुधरेगा, कोई
बाप नहीं सुधरे तो बेटा कैसे सुधरेगा बेटा? बाप जैसा रहेगा तो बेटा कैसा रहेगा? दस नंबरी रहेगा ना, बाप एक नंबरी बेटा दस नंबरी। इसलिए आप लोग दूर सीधे दीवारों से बचा कर रखिए आप लोग को, और यही बोलते आप लोग को हाथ जोड़ कर बोलते हैं कुछ किसी कुछ आप माफ़ी मांगते हैं, आप लोग को कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिए, आप लोग को दूर ही रखिए झाड़ू शराब पीने से। और यही आप लोग को बोलना चाहता है, आप लोग को ये सिखाना चाहता है, आप लोग को सीख यही मिलता है, आप लोग झाड़ू शराब से मुक्ति रहो और दूरी रखो, मतलब दवाई से भी छूटता नहीं है। एक बार आदमी आदत लग जाता आदमी छूटता नहीं दारू से, मतलब मंगाइए दवाई और मंगाओ दुकान और टीवी में से मंगाओ और उसमें से ऑर्डर कीजिए और बच्चा लोगों को भी समझाइए और उससे दूरी रखिए। तो लाइक करना भूलना चाहिए, लाइक करो सब्सक्राइब करिए और टीवी भी सब्सक्राइब कर दिया। आप लोग टीवी में सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग खाली वीडियो देखते थे टीवी में बस, आप लोग को यही बोलते आप लोग लाइक करना नहीं, लाइक करो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को दोस्त लोग देखता है विवेक चौहान देखता है टीवी में मेरा वीडियो, और मेरा वीडियो देखते रहना मोनेटाइज हो जाएगा। आप लोग मेरा देखता नहीं है आजकल, खाली मैं अपने भैया लोग को देखता है आजकल, कोई को देखता नहीं भैया लोग, भैया यूपी बिहार का सब लोग जो भी है पंजाब से लेके वहाँ तक, खाली हम लोग तेरा ही चैनल देखेगा, हम लोग मेरा चैनल देखेगा नहीं आप लोग सोशल मीडिया में, खाली नुजरा को वीडियो देखेगा मेरा वीडियो क्यों नहीं देखेगा। और बाल बिल कभी आना है, बाल बिल बच्चे लोग बाल बिल बच्चे ना टीवी में वो मार्च में आने वाला है, अभी तो जनवरी में नहीं आ पाया, मतलब अभी बाल बिल रिटर्न थ्री आने वाला है, मतलब अभी नया सूट निकलने वाला है, मतलब यू सीवन को अगली वीडियो नहीं पसंद आए तो वीडियो को आप लोगों को कमेंट करके बताइए आप लोगों को बाल रिटर्न चाहिए तो बच्चों को प्रवेश कर रहे भाई आ जाएगा बाल बिल आएगा टीवी में, और यही बोलते हैं आप लोग को और बाल बिल विषय मिलाएगा बाल वितरण से मिला आप लोग नहीं। कभी हम लोग नहीं मिला, बचपन से नहीं मिला हम लोग को, हम लोग गोकुल धाम इसे भी नहीं मिला, गोकुल धाम का मैं वीडियो शूट करने गया, मैं दोस्त लोग गया था गोकुल धाम तारा मगर उत्तर सच में है ना, दोस्त लोग गया था जब वीडियो शूट किया था, हम लोग शूट नहीं कर पाया, तो अगले वीडियो में हम बताएगा कैसा हुआ कैसे नहीं, जाएगा तो हम लोग वीडियोज़ को शूट करेगा और उसका ये मांगिएगा, वो इधर अलाउड नहीं है ना, मतलब कुछ टिकट टिका कुछ देगा फॉर्म देगा उसे पैसे लेगा कुछ उसे लेगा तो उसका आईडी मिलेगा इसको उसको तभी मिल सकता है तारा मोदी उस समय से में फ़ोटो वीडियो शूट कर सकते हैं फ़ोटो खिंचा सकते हैं, तो इसे परमिशन लेना पड़ता है तभी वीडियो शूट कर सकते हैं तारा मोदी उल्टा चश्मा। और गोकुल धाम नया आया है, मतलब टप्पू सेना गया अभी दोस्तों के साथ, मतलब अभी कुछ तो काम रहेगा इसके लिए नहीं, अभी सब चेंज हो रहा है तारा मोदी उल्टा चश्मा में भी, और सब जो करेक्टर था नया नया करेक्टर आ गया है, जूनियर जूनियर सब चल गया है और भी चल गया है, मतलब तारा मेहता उल्टा चश्मा भी है और मतलब ये भी है अबू है सब लोग है इसमें, तो वीडियो को लाइक करना है बोलना चाहिए लाइक करो सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें क्या क्या देखता तू घर पर टीवी में? कार्टून कार्टून पसंद है का? कार्टून बोर हो गया तो देखता है। कभी कभी मन है कोकड़े पाची जिंदाबाद देखता है तो उसमें ना कौन कौन ऐसे कौन किया का बनाया का सिस्टम किया का वीडियो, मतलब इसमें ना वो फिल्म में ना वो हीरो लोग करेक्टर किया है मालूम है कार्टून में, मतलब इसका वीडियो है ना बनाया गया, मतलब एक्शन का मूव का खाली कंप्यूटर से सेट कर दिया है, खाली मुँह का सिस्टम इसमें डाल दिएगा, मतलब कॉकड़े पाती जिंदाबाद का, तो उसको बच्चे लोग को भी दिखाने के लिए कॉमेडी के लिए हंसते थे आप लोग पेज फूल जाते हैं, और छोटे भीम भी देखते हैं लोग लगा कर दे देने का छोटे भीम को, पढ़ाई भी करनी चाहिए और लोगों को ध्यान दीजिए पढ़ता कि नहीं पढ़ता है, खाली गाना सुनते हैं बस, आप लोग गाना सुनने से नहीं चले भाई पेट भरता नहीं इसे गाना सुनने से, टी वी देखने से भी पेट नहीं भरता, खाली काम भी करना चाहिए आप लोग, कमाओ खाली कमाने का ध्यान दीजिए आप लोग को, सिर्फ टीवी देखने से पेट नहीं भरता है, मम्मी बोलते हैं टीवी देखने से पेट नहीं भरता है आप लोग को, कमाने का और दादा दादी की बात सुननी चाहिए काम करने चाहिए और सताने चाहिए मम्मी को रुवाने चाहिए, और इसलिए आप लोग को लाइक करना चाहिए, लाइक करो सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए, चलते अगली वीडियो में बताएगा, चल जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र, आप लोग भी कीजिए जय भारत जय महाराष्ट्र। हाँ तो यही बोलना चाहते आप लोग को लाइक करना भूलना चाहिए, मेरे घर का थोड़ा कैसा फीका चल गया मेरा और अभी देखता है बनाने देगा कैसा हुआ कितना फटका लगेगा, तो चलते हैं अगली वीडियो में बताएगा कैसा हुआ कैसे नहीं, लाइन आ गया अचानक ही कल से परसों से, तो
को, तो चलते हैं। लाइक करना नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अभी मेरे को 10 चैनल में काम करना है, शाम होने है और चलते हैं। और 10 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को अगर यहाँ चैनल आया तो आपको भी लाइक करना भूलना, तो लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए। और यही बोलते आप लोग को, वीडियो अच्छे से शेयर कीजिए, और वह सब भी भेजिए, और इसका काम भी भेजिए, लिंक मेरा दे दिया यूट्यूब पर, और जाकर इसको फॉलो कीजिए इसके काम से। व्हाट्सएप पर भी मैं यूट्यूब चैनल में लिंक दे दिया है, आप लोग लाइक करना नहीं, या लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए आप लोग को, ओके, और शेयर कीजिए। और देखता अगली वीडियो में बताएगा कैसा वो कैसे नहीं। और कोई कोई वीडियो बनाने में शर्माता है बताए, इसमें बहुत पैसा नहीं यूट्यूब पर भाई, बताइए आप लोगों को, आप लोग शर्माएगा तो कैसे चलेगा, इसमें शर्माने का नहीं, खुद का काम कीजिए। आप लोगों को करेक्टर बोल रहा है आप लोगों को विकास भाई, और ये बोलना चाहिए आप लोग को, लाइक करना नहीं, लाइक करो, फॉलो कीजिए, आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगली वीडियो में बताएगा कैसा हुआ कैसा नहीं। चलते, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और यही चैनल को प्यार कीजिए, चैनल का नाम दिया है विकास चैनल हीरो, और जाके सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, आप लोग को प्यार कीजिए चैनल को। और अच्छा से वीडियो लाया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, हम कॉपी नहीं करते अभी दोबारा, हम खुद से मेहनत कर रहे हैं। और यही आप लोग को लाइक करना भूलना चाहिए। चलते, जय हिंद, जय भारत, चलते हैं, बाय बाय। अब वीडियो काम करना पड़ेगा।